हेलो दोस्तों, आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर दिया है और आपको ज़रूरत पड़ रही है रिवाइज रिटर्न जमा करने की। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज जमा कैसे कर सकते हैं। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। GST इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो और नए नए टॉपिक पर हम इस चैनल पर वीडियो डालते हैं और नई नई जानकारी की वीडियो आप तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिवाइज रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि आप रिवाइज रिटर्न क्यों जमा कर सकते हैं या क्यों जमा करते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है डिफेक्टिव ITR जमा करना। अगर आपके पास कोई नोटिस आया है इनकम टैक्स का कि ये डिफेक्टिव रिटर्न है, तो आपको रिवाइज रिटर्न जमा करना पड़ेगी। अगर बिलेटेड रिटर्न का टाइम जो होता है वो अभी आपके पास है, यानी 31 दिसंबर तक आप रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं। और डिफेक्टिव रिटर्न क्यों आती है, उसका ज़्यादातर मेन रीज़न होता है कि आपका जो फॉर्म है वो गलत जमा हुआ है। आपको फॉर्म नंबर 2 जमा करना था या फॉर्म नंबर आपको 3 जमा करना था, उसकी जगह आपने फॉर्म नंबर 1 जमा कर दिया है या फॉर्म नंबर 4 जमा कर दिया है। टोटल मिला करके कि आपने जो फॉर्म जमा किया है वो गलत जमा किया है। आपको कोई और फॉर्म जमा करना था, आपने कुछ और फॉर्म जमा कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जैसे सैलरी की इनकम है और आपकी कैपिटल गेन भी है और आपने फॉर्म नंबर 1 जमा कर दिया है, तो आपकी ITR डिफेक्टिव ITR में आ जाएगा नोटिस आपके पास और आपको ITR 2 जमा करने पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई और इनकम है, तो जैसे गेमिंग वगैरह की इनकम है, तो आपको ITR 4 जमा करनी होती है। तो इस तरह से आपकी डिफेक्टिव ITR हो गई है और तो आपको रिवाइज रिटर्न जमा करनी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपनी ITR में, जैसे आपका एड्रेस चेंज करना है या आपने गलत इनकम शो कर रखी है उसमें आपको कोई इनकम कम करना है, या आपने कोई शॉर्ट इनकम दिखाई है वो आपको ऐड करना है। इसके अलावा और कोई सी आपकी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, वो आपने इनकम वहाँ शो नहीं की है और अब आप उस इनकम को वहाँ शो करना चाहते हैं, तो आप रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। इसके अलावा आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है वो आपने वहाँ नहीं दिखाई है, जैसे इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो मैच्योर हुई है और आपने वो अमाउंट वहाँ नहीं दिखाया, एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपको रिवाइज रिटर्न जमा करने के। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि आप रिवाइज रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर ले जा करके कि आप जो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है या आपको कोई चेंजेस करती हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से ये ईमेल आता है डिफेक्टिव रिटर्न का। अब मैं आपको दूसरा केस दिखा रहा हूँ जिसमें दिखा रहा है कि आप डिमांड है ये कि आप इनकम टैक्स जमा करो। इस केस में क्या हुआ है कि हमने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का चालान जमा किया था, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बन रहा था, यानी हमारा टैक्स ज़्यादा बन रहा था और TDS कम कटा था, तो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कर दिया था, जो कि इस रिटर्न में उस सेल्फ असेसमेंट टैक्स को कंसीडर नहीं किया और उतने ही अमाउंट का यहाँ पर नोटिस भेज दिया गया, डिमांड भेज दी गई कि आप इतने रुपये जमा कराइए। ऐसे केस में हमें 31 दिसंबर से पहले रिवाइज रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। और अगर 31 दिसंबर के बाद अगर आपको पता चला है, तो फिर आपको मिसमैच का सिस्टम है इसमें, वो फिल करना पड़ेगा। लेकिन अभी 31 दिसंबर नहीं हुआ है तो मुझे रिवाइज रिटर्न जमा करनी है। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन पर कि डिमांड नोटिस किस तरह से आता है। अब हम अपनी रिवाइज ITR जमा करेंगे। अब रिवाइज ITR जमा करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा गूगल पर और गूगल पर सर्च करेंगे ई फाइलिंग इनकम टैक्स। जब ई फाइलिंग इनकम टैक्स सर्च करेंगे तो हमारे पास कई ऑप्शन होंगे और उनमें ही एक ऑप्शन होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम लिखा हुआ, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो ये हमारी इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद यहाँ लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे। ये हमारा पुराना केस है इसलिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही होगा।
और लॉगिन ही करना है हमें खाली। लेकिन जब हम नई आईटीआर जमा करते हैं तो उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, और वो जो कॉर्नर में लिखा हुआ है रजिस्टर, वहाँ पर क्लिक करना होता है। और रजिस्टर कैसे करते हैं इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर यूज़र आईडी, तो यहाँ पर हम अपना पिन नंबर देंगे। पिन नंबर हमेशा यूज़र आईडी होता है। और फिर यहाँ पर नीचे पासवर्ड देंगे और पासवर्ड से ये इसको लॉगिन कर लेंगे। और लॉगिन करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद अब हम रिटर्न जमा करेंगे, तो उसके लिए ऊपर ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्सर रखेंगे। यहाँ पर कर्सर रखने के बाद फिर यहाँ पर आपको शो करेगा ई फाइल इनकम टैक्स, फिर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। और उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है, तो हमें 2024-25 को सेलेक्ट करना है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ क्लिक करना है। फिर इंडिविजुअल पर क्लिक करें, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर फॉर्म नंबर 1 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम फॉर्म नंबर 1 को जमा कर रहे हैं। फिर ये लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर नीचे अदर लिखा हुआ है, अदर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर कई सेक्शन है, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और टैक्स डिडक्शन वगैरह ये कई यहाँ पर है, ये इन सभी को हमें कंफर्म करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद फिर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जैसे एड्रेस हमें चेंज करना है, या यहाँ पर हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, या अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, अपडेट करना है, तो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। और ये सब कुछ अपडेट करने के बाद फिर नीचे सेव लिखा हुआ है, वहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने सेव पर क्लिक कर दिया, ये हमारे कॉन्टैक्ट, ये है इम्पोर्टेंट। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा एम्प्लॉय है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एम्प्लॉयर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। जो भी एप्लीकेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उसको अदर को सिलेक्ट करेंगे, हम इसको अदर का सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद है ये इम्पोर्टेंट है फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग सेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जो रिटर्न जमा कर रहे हैं ये रिवाइज रिटर्न जमा कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में आती है। तो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो रही है। अगर बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ना हो रही हो तो हमें ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे पहली जो है वो 139(1) में है, ये हमारी बिफोर डेट है। और दूसरी है 139 सब सेक्शन 4, ये बिलेटेड रिटर्न के बारे में है। और तीसरा है ये हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब हम ये सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए नीचे है इंटर रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, तो इसका जो एक्नोलेजमेंट नंबर है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न ये भी बाई डिफॉल्ट आ जाएगी। अगर ना हो तो फिर आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, यहाँ पर रिटर्न जमा करने की डेट और एक्नोलिजमेंट दोनों आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अब नेक्स्ट है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन सेक्शन 111(5)(bac), यानी आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं या ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं। अगर आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो सिलेक्ट करिए, और अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन मैं ओल्ड रिजिम में जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सारी डिडक्शंस वगैरह लेनी है, तो मैं यहाँ पर यस पे सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए मैंने यस को सिलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद बैंक डिटेल होती है वो वेरीफाई होनी चाहिए, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो सेक्शन है ये कन्फर्म हो गया है। अब हमें नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है ग्रॉस टोटल इनकम को कंफर्म करेंगे, उसके लिए हम ग्रॉस टोटल इनकम लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सैलरी एग्जम्पशन आ जाएंगी, जो सैलरी एग्जम्पशन चाहिए हम उनको सेलेक्ट करेंगे, उसमें अमाउंट डालेंगे, और जो नहीं चाहिए उस पर नो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें चाहिए हाउस रेंट अलाउंस का डिडक्शन, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आ रहा है क्योंकि हमारे फॉर्म नंबर 16 में ये शो हो रहा है। अगर आपके फॉर्म 16 में शो नहीं हो रहा और आपको एचआरए चाहिए तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और फिर ये अमाउंट के लिए कहेगा, वहाँ अमाउंट दे देंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर्म 16 में ऑलरेडी शो हो रहा है इसलिए यहाँ अमाउंट आ रहा है। आपको चेक करना है कि फॉर्म नंबर 16 में और ये दोनों अमाउंट सेम है या नहीं। अगर सेम है तो
तो इस नीचे जो लिखा हुआ है इसका जवाब देना है, डू यू एग्री विद इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है ये अमाउंट सही है तो यस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए। जो भी सही अमाउंट है उस सही अमाउंट को यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब इसको फिल कर दिया, अब इसके अलावा मुझे कोई और एग्जेम्पशन नहीं चाहिए। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये देखिए अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद देखिए वेरीफाई योर इनकम सोर्सेज डिटेल, तो अब यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो हम इन सभी इनकम को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो फॉर्म 16 में जो अमाउंट दिया हुआ है वो यहाँ शो हो रहा है। अगर आपका फॉर्म 16 में जो दिया हुआ है वो अलग है और यहाँ पर अलग आ रहा है तो आप यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है वहाँ लिख करके इसको चेंज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कई जगह से सैलरी मिलती है लेकिन फॉर्म 16 में एक ही दिखा रहे हैं तो वो हमें यहाँ ऐड करनी होती है, तो यहाँ पर हम उस सैलरी को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसके बाद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, कोई हमने रेंट वगैरह पे अपना मकान या तो कुछ दिया हुआ है तो वो है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो होता है वो इंटरेस्ट वगैरह होती है, जैसे FD या सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट वगैरह होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। हमारी यहाँ पर सही इनकम शो हो रही है, हमारी इंटरेस्ट इनकम जो कि हमारी AIS में शो हो रही है, यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो हमारी इनकम शो हो रही है वही यहाँ शो हो रही है। इसके साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि जो भी हमारी इंटरेस्ट AIS में शो हो रही है और जो इसमें शो हो रही है, या हमारी बहुत कुछ इनकम ऐसी भी हो सकती है इंटरेस्ट की जो कि हमारी AIS में शो नहीं हो रही है, तो हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर उसको जोड़ेंगे, चाहे वो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो, चाहे वो FD से इंटरेस्ट हो, या डिविडेंड वगैरह मिला हो, या कोई और इनकम हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए यहाँ एडिट लिखा हुआ है, एडिट पे क्लिक करेंगे और फिर जो सही अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर ऐड अनदर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड करेंगे अगर इसमें शो नहीं हो रही है किसी अदर ऐड की इनकम। अब ये यहाँ पर देखिए ग्रॉस टोटल इनकम मेरी शो हो गई है, सैलरी की इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और अगर हाउस प्रॉपर्टी की भी वो भी इसमें ऐड होकर के ये ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ शो करेगी। अब ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम है, तो एग्जेम्प्ट इनकम वह इनकम होती है जो कि जिस पर टैक्स नहीं लगता है, जैसे LIC की जो अमाउंट है जो मैच्योर हुई है उससे जो अमाउंट आया है वो यहाँ पर ऐड करना होता है लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं होता। ऐसी बहुत सारी इनकम है, आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो कि एग्जेम्प्ट है और आपको मिली है। और फिर ये देखिए सारी में ऐड करने के बाद फिर ये कन्फर्म लिखा हुआ है, हम यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरी देखिए ग्रॉस टोटल इनकम मेरी कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट है टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर टोटल डिडक्शन की लिस्ट है सारी एक एक करके, जो भी आप डिडक्शन यहाँ पर चाहते हैं उसको यस कीजिएगा और जो डिडक्शन नहीं चाहते हैं उसको नो कीजिएगा। अब मुझे सेक्शन 80C की डिडक्शन चाहिए तो मैं उसको यस करूँगा, इसके अलावा मुझे 80D की डिडक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पर यस करूँगा, लेकिन 80D की डिडक्शन के लिए एक और फॉर्म होता है वो भी फिल करना होता है, इसी के साथ साथ वो आगे आएगा। दूसरा मुझे चाहिए 80TTA, तो मैं 80TTA को भी यस करूँगा, वो भी यहाँ फिल नहीं होगी आगे फिल होगी। अब ये देखिए इस तरह से ये लिस्ट आ रही है और यहाँ पर जो जो डिडक्शन चाहिए वो हमें यहाँ पर फिल करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू है या कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 80D की शो हो रही है लेकिन यहाँ पर अमाउंट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एडिट पे क्लिक करेंगे और जब एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा कि आप अकेले हैं या सीनियर सिटीजन है आपके पेरेंट। अगर आपके पेरेंट सीनियर सिटीजन है और साथ में रहते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर आप अकेले हैं तो 25,000 रुपये तक की डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि आप सेल्फ हैं या पेरेंट्स के साथ हैं। अब देखिए लिखा हुआ है सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर 50,000 रुपये तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और फिर ये सेव लिखा हुआ है, इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए मेरा 80D का हो गया। अब मुझे 80TTA का भी लेना है, तो जो 80TTA लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है तो यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे तो मुझे 80TTA में
10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर मेरी इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक इंटरेस्ट से जितनी इनकम है वो मिलेगी, तो मेरी 10,000 रुपये से अगर कम है तो वो 10,000 से कम मिलेगी, और अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा सेविंग बैंक इंटरेस्ट है तो मैक्सिमम 10,000 रुपये की मिलेगी। तो मैं यहाँ 10,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकता हूँ, लेकिन मेरी इनकम 10,000 से कम है तो यहाँ पर देखिए अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर ATTDA यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया जो जो एलिजिबल है, और फिर यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए मेरी जो जो डिडक्शन है वो सारे यहाँ पर शो हो रही है। अब इस कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। अब ये मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए मेरी टोटल डिडक्शन वाला जो सेक्शन है ये मेरा पूरा हो गया और कन्फर्म हो गया है। अब नेक्स्ट है टैक्स पेड, तो उसके लिए मैं टैक्स पेड लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ पर देखिए ऊपर चेक करेंगे कि हमारा जो TDS कटा है जो कि फॉर्म 26AS में शो हो रहा है वो यहाँ शो हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन मेरा ये केस है, इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस आया है कि आपका जो टैक्स है वो शॉर्ट जमा हो रहा है, जबकि मैंने उसको टैक्स जमा किया था जो कि कंसीडर नहीं किया गया है। तो उसी के लिए फिर आपको यहाँ पर दोबारा से चेक करना है, एसेसमेंट टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। एक तो आपको ऊपर चेक करना है TDS का, तो मेरा TDS का अमाउंट सही शो हो रहा है। मेरा ये देखिए जो सेल्फ टैक्स एसेसमेंट है वो भी शो हो रहा है, लेकिन सिस्टम ने वहाँ पर मेरा उस टाइम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सही है। फिर भी हम यहाँ पर एक बार चेक करेंगे, और अगर आपके यहाँ पर जो भी टैक्स एसेसमेंट है जो आपने यहाँ पर जो भी आपने सेल्फ टैक्स एसेसमेंट जमा किया है वहाँ शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए शो डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं चालान को खोल कर देखूँगा, यहाँ पर चालान में जो डिटेल है वो BSR कोड, चालान नंबर और डेट और अमाउंट, ये चार आइटम वहाँ पर फिल करने पड़ते हैं। और दोबारा से चेक करूँ कि जो मेरे चालान में डिटेल दी हुई है वही इसमें शो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप चालान हाथ के हाथ जमा करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये मैं चालान बहुत पहले जब मैंने रिटर्न जमा की थी उस टाइम जमा किया था, इसलिए मेरा ये यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेल शो हो रही है। फिर भी मैं यहाँ पर चेक करूँगा अपनी डिटेल, चालान का जो सीरियल नंबर है वो, डेट, अमाउंट वगैरह सारा यहाँ पर चेक करूँगा। तो देखिए मैं सारा यहाँ चेक कर रहा हूँ, और ये मैंने सारा चेक कर लिया और ये सब कुछ ठीक है, और फिर इस पर सेव पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरा सेव हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर टोटल मेरी टैक्स पेड यहाँ शो हो जाएगा। अब चेक करेंगे हम कि यहाँ पर टोटल जो टैक्स पेड है अमाउंट सेम है या नहीं, अगर कहीं डिफरेंस है तो उसको सही करेंगे। और जब चेक करने के बाद फिर यह कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए टैक्स पेड का जो अमाउंट है वो मेरा सही शो हो रहा है, और फिर उसके बाद अगला नंबर है टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ प्रोसीड लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ प्रीव्यू रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर प्रीव्यू रिटर्न के बाद प्रोसीड टू रिटर्न। अब ये फिर इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल, यानी मेरी जो यहाँ फिगर है उसमें कोई भी गलती नहीं है, जो भी मैंने फॉर्म भरा है वो सही फॉर्म भरा है। अगर यहाँ पर कोई गलत फॉर्म जमा करता या कोई चीज़ रह जाती फिल करने से तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता कि ये आपकी एरर है, तो मेरी कोई एरर नहीं है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अब हमें वेरीफाई करना है यहाँ पर, तो हम तीन तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और ई वेरीफाई बाय ITRB। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। ई वेरीफाई से तो हाथ के हाथ वेरीफाई हो जाता है, और ई वेरीफाई लेटर से ये होता है कि आप 30 दिन के अंदर कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई बाय ITR होता है आपको यहाँ जमा करनी पड़ेगी और जमा हो जाएगी, उसके बाद फिर वेरीफाई के लिए आपको बेंगलुरु भेजने पड़ेगी साइन करके बाय स्पीड पोस्ट। तो हम ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अभी OTP नहीं मिल पाएगा। अब मैंने ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये लिखा हुआ आ गया काइंडली ई वेरीफाई द रिटर्न विद इन 30 डेज, और इसके बाद ये जो कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट नो लॉन्गर मॉडिफाई द रिटर्न, मतलब ये सबमिट हो गई आपकी तो फिर आपको मॉडिफाई करने का कोई चांसेस नहीं होगा। अब ये सबमिट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए मेरी रिटर्न सबमिट हो गई है,
और ये लिखा हुआ आ गया, यू स्टिल नीड टू वेरीफाई विद इन 30 days टू कम्प्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो मेरी रिटर्न फाइल हो गई है और अब मुझे क्या करना, वेरीफाई करनी है। तो वेरीफाई के लिए फिर मैं ई फाइल जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर कर्सर रखेंगे और फिर ये देखिए फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है ई वेरीफाई रिटर्न, वहां क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारा ई वेरीफाई का ऑप्शन है, यहाँ पर ई वेरीफाई लिखा हुआ है, वहां क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मुझे कई ऑप्शन मिलेंगे कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी मोबाइल नंबर। तो आप अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू ये इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या DSC से कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, इस तरह का कई ऑप्शन होते हैं। मैं सबसे पहले वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले वाले ऑप्शन में होगा जो भी मेरे आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस कर दिया और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है और आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट आधार ओटीपी, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अब ये देखिए मेरा ओटीपी पहुंच गया है आधार वाले नंबर पर। अब मैं यहाँ पर ओटीपी दूंगा। अब ओटीपी देने के बाद यहाँ वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये मेरी रिटर्न वेरीफाई हो गई और यह लिखा हुआ आ गया रिटर्न ई वेरीफाई सक्सेसफुली। तो मेरी फाइनल रिटर्न जमा हो चुकी है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिटर्न जमा करने के बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए और जो मैंने फॉर्म जमा किया है वो भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए, और डाउनलोड रिटर्न लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है उसको क्लिक करूँगा तो इस तरह से होगा। और यहाँ पर मुझे का पाथ देना है, फाइल नेम देना है, तो ये फाइल नेम और पाथ पर और यहाँ पर सेव लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मेरी ये एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो गया, मैंने फाइल को नाम दिया है और ये सेव कर दिया। तो इस तरह से मेरा फॉर्म डाउनलोड हो गया और एक्नॉलेजमेंट दोनों डाउनलोड हो गए। अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, ये एक्नॉलेजमेंट है, देखिए ये असेसमेंट ईयर 2024-25 का है और यहाँ पर रिवाइज रिटर्न लिखी हुई है और ये देखिए सारा डेटा है। अब ये देखिए ये फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1 जो हमने जमा किया है। तो इस तरह से पूरी रिटर्न जमा हो चुकी है 2024-25 की रिवाइज रिटर्न। तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से ये बता दिए कि आप रिवाइज रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि आप रिवाइज रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं, आपने समझ लिया होगा, जान लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं खुद बिना किसी चार्जेस दिए हुए। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कैसे लगा। और इसके अलावा आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर बताइएगा, हम उसका जवाब देंगे। आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।